कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और नौबत यह आ गई है कि पार्टी में इस वक्त कोई अध्यक्ष ही नहीं है। राहुल गांधी ने चुनाव के बाद ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। एक महीने तक उनको मनाने का ड्रामा चलता रहा और आखिरकार जब वो नहीं माने तो अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली हो गई। कांग्रेस नेताओं की लगातार बैठक चल रही है और अध्यक्ष पद के नाम पर चर्चा हो रही है। खास बात यह है कि इस मीटिंग में ना तो सोनिया रहती हैं, ना राहुल रहते हैं और ना ही प्रियंका रहती हैं। गांधी परिवार के करीबी नेताओं के बीच बैठक होती है और सब एक दूसरे की तरफ देखते रह जाते हैं। सिंधिया और पायलट के मन में तो पहले से ही लड्डू फूट रहा है कि अध्यक्ष का पद उन्हें मिल जाए, लेकिन ये होता इतना आसान नहीं है क्योंकि इस बार की बैठक में अध्यक्ष पद के लिए कुछ शर्तें जारी की गई हैं। सबसे पहले शर्त यही है कि जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा उसका गांधी परिवार का करीबी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। वैसे तो सब नेता खुद को गांधी परिवार का करीबी मानते हैं, लेकिन गांधी परिवार किससे ज्यादा प्यार करता है अध्यक्ष का नाम उसी पर निर्भर होगा। ठीक वैसे ही जैसे मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री थे, मतलब इशारा सोनिया गांधी का होगा और दस्तखत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे शख्स के, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है कि सीताराम केसरी जैसा कोई नेता पार्टी का अध्यक्ष बन जाए। एक दूसरी शर्त यह है कि होने वाले अध्यक्ष को संगठन की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और तीसरी शर्त यह है कि उसकी छवि साफ सुथरी होनी चाहिए। अब कांग्रेस के ऐसे अध्यक्ष की तलाश कब पूरी होगी ये कहा नहीं जा सकता। वैसे भी जब तक किसी अध्यक्ष के नाम पर सहमति नहीं बनती तब तक वर्किंग कमेटी की बैठक नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।